सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। और सीधे सीधे चार पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। स्वागत। कि मैं अपने प्यार के नगमों को अक्सर गुनगुनाता हूँ, जो मेरे दिल पे गुजरी है वही सबको सुनाता हूँ। क्या बात है जितेंद्र, वाह। कि गुजरे जमाने में हुई हमको मोहब्बत जो, उसी की ही बदौलत गीत गजले गुनगुनाता हूँ। उसी की ही बदौलत गीत गजले गुनगुनाता हूँ। और चार पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है। कि कोई गाए करुणाई, कोई गाए तरुणाई, कोई हास्य व्यंग से हंसाने यहाँ आया है। हाँ। कि कोई गाए करुणाई, कोई गाए तरुणाई, कोई हास्य व्यंग से हंसाने यहाँ आया है। हाँ। वो जनता के हित की जो बात करेंगे को यहाँ, कोई कविता तो कोई छंद लिख लाया है। कोई कविता तो कोई छंद लेके आया है। देशद्रोही भ्रष्टाचारियों से आज लड़ने को आपको जगह ने हर रंग लेके आया है। और आगे द्वेष त्यागे और युद्ध को नकारे, सभी मेरे हिस्से में तो प्रेम प्यार रस आया है। मेरे हिस्से में तो प्रेम प्यार रस आया है। ओ मित्रों, में प्रेम प्यार का कवि हूँ, कुछ ही प्रेम प्यार के छंद आपके बीच रखता हूँ। लेकिन कभी कभी जीवन में जो अपन सोचते हैं वो अपन को मिल नहीं पाता है, तो वही अपने जीवन में कुछ समस्याएं बन जाती है। भगवान श्री राम के पिता चाहते थे कि दशरथ के श्री राम अवध के राजा बने, लेकिन इसके विपरीत हुआ। सुनिएगा। जाने वालों से विशेष अनुरोध है, सुनिएगा। कुछ मात्र एक घंटा समझ लो, एक घंटे और आप टिक जाओ तो ये कवि सम्मेलन वास्तव में सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि आपके बीच में बैठे हुए हैं, अगर आप उनको नहीं सुनोगे तो फिर सुबह कहोगे कि यार कुछ रह गया। तो थोड़ा बहुत अब आपने इतना समय दे ही दिया है, घर जाके भी कौन से झंडे गाड़ लोगे तुम, वैसे 12 से ऊपर होगी। तो आप हमारी भावनाओं को समझे, और अगर थोड़ी मोड़ी अगर आप शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो तुरंत जाके वापस फिर अपना स्थान ग्रहण कर। भाई जीतू इस जीवन की एक बार जोरदार तालियों के साथ इसका उत्साहवर्धन करें। ये अपने काव्य जीवन की शुरुआत कर रहा है और इसके स्वर और लय को देखकर लगता है कि बहुत आगे जाकर ऊंचाइयों को छुएगा, तो इसको भरपूर आशीष दें आप। नवांकुर आपके सुनेल से निकल गए। हाँ भाषा सुनिएगा। कि पिता का वचन तो निभाया पुत्र राम जी ने, पत्नी का धर्म माता जानकी निभाया है। कि पिता का वचन तो निभाया पुत्र राम जी ने, बहुत शानदार पढ़ा। वचन तो निभाया पुत्र राम जी ने, पत्नी का धर्म माता जानकी निभाया है। वो भाई के वचन को निभाया भाई लखन ने, लखन की उर्मी ने विरह गीत गाया है। तो मीरा ने तो मन में बसाया मन मोहन को, मोहन ने मन राधे रानी को बसाया है। वो जग की ये रीत है अनूठी बड़ी प्रीत है, जिसने जो चाहा किसे मिल पाया है। वाँ, वाँ। जग की ये रीत है अनूठी बड़ी प्रीत है, जिसने जो चाहा किसे मिल पाया है। और कुछ श्रृंगार के छंद आपके बीच में रखता हूँ। कि जब मैं पहली बार कॉलेज में पढ़ने गया और एक सुंदर सी कन्या को देखकर मेरे मन में जो भाव जगे, उन भावों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। ये शानदार है, शानदार है। कि जब से देखा है तुझे मेरे दिल के महीनों से, रातों की ये नींद गई चैन कहीं खो गया। और सांसों में तुम ही बसी हो, रोम रोम में फंसी हो, लगता है मेरा दिल एक मकान हो गया, लगता है मेरा दिल एक मकान हो गया। तो कजरारी अखियों से ऐसा जादू किया तूने, पहली मुलाकात में तेरा दीवाना हो गया। वो दुनिया की भीड़ में भी
अब तनहा सा रहता हूँ तेरे इश्क में जो गोरी सहाल हो गया। दुनिया की भीड़ में भी अब तनहा सा रहता हूँ तेरे इश्क में जो गोरी ऐसा हाल हो गया। और श्रृंगार देखिएगा मित्रों कि अंग अभिराम तेरे और नयन कटारी तेरे, देखी देख हृदय भी मेरा झूमने लगा। क्या उपमा है? अभिराम तेरे और नयन कटारी तेरे, देखी देख हृदय भी मेरा झूमने लगा। और अंजन है नयनों में गोरे है कपोल तेरे, अपल की निगाहें गाड़ तुझे देखने लगा। तो रूप का श्रृंगारी गोरी यौवनी का आगार देह, देखी तेरे यौवनी को ज्वार उठने लगा। प्रणय की ज्योति मेरे दिल में ऐसी जली कि तेरा बन तुझसे ही प्रेम करने लगा। ज्योति मेरे दिल में ऐसी जली कि तेरा बन तुझसे ही प्रेम करने लगा। तू मेरे मन मंदिर में हर प्रकार से प्रेम जगाने का प्रयास करता है कि मेरे मन मंदिर में तेरा अनुराग है ये, तुझ पे लुटाऊ दिन रेने अब प्यार में। और रातों की लुटी है नींद, दिल का चुराया चैन, ख्वाब मेरे खो गए हैं तेरी ही निगाहों में। तो कल कल सरिता सी बहती चलिया वो तुम दिल में समाओ ऐसे जैसे सिंधु जल में। मैं और तुम आज हम बन जाए पिए, आओ बंध जाए इस प्यार के बंधन में। कि मैं और तुम आज हम बन जाए पिए, आओ बंध जाए इस प्यार के बंधन में। और इतिहास के कुछ प्रेम के चित्र आपके बीच रखता हूँ कि रांझा और हीर वाली इतिहास की कहानी आज हम दोनों प्रेमी भी दोहराएंगे। ओ महीवाल ने किया था सोनी के लिए जो त्याग, तेरे लिए आज हर जंग लड़ जाएंगे, तेरे लिए आज हर जंग लड़ जाएंगे। तो डोला और मारू वाले प्रेम के वो गीत गा के आने वाले कल की मिसाली बन जाएंगे। वो तू जरा सा प्यार कर, प्रेम स्वीकार कर, खुदा कसम तेरे हम गुलाम बन जाएंगे। तू जरा सा प्यार कर, प्रेम स्वीकार कर, खुदा कसम तेरे हम गुलाम बन जाएंगे। और ये थी मेरी प्रतिक्रिया, और उधर से क्या प्रतिक्रिया आई वो सुनना और आन लेना कि उस लड़की ने मेरे को क्या कहा। सुनिएगा कि कौवे जैसा रंग तेरा और चांदी जैसे बाल तेरे, शक्ल से मुझे तुम बंदर से लगते। ये मेरी काया का चित्रण हो रहा है। अरे बंदर। कि कौवे जैसा रंग तेरा और चांदी जैसे बाल तेरे, शक्ल से मुझे तुम बंदर से लगते। मोटी मोटी आंखें तेरी ना की है पकोड़े जैसी, सर्कस के भागे हुए जोकर से लगते। ओ हाथी अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती तेरे, देह से तुम्हारी कुपोषण से लगते। ओ कैसे तुझे प्यार करूं, प्रेम स्वीकार करूं, मुझको जवान कम बूढ़े ज्यादा लगते। ओ कैसे तुझे प्यार करूं, प्रेम स्वीकार करूं, मुझको जवान कम बूढ़े ज्यादा लगते। और समय की सीमा को देखते हुए एक गीत बिना भूमिका का बीच में रखता हूँ, सुनिएगा बहुत अच्छा गीत है। कि कलम उठा कर रात रात भर, रात रात भर कलम उठा कर मैंने उसे लिखा है। जीवन में आप थोड़ी सी तालियों का साथ दे दो बस। कोई चांद का है, जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद का है। कलम उठा कर रात रात भर, रात रात भर कलम उठा कर मैंने उसे लिखा है। जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद का है। ये क्या बलवन कि नैन नशीले दो जीलों से केश मुझे उलझाते हैं, नैन नशीले दो जीलों से केश मुझे उलझाते हैं। जितना मैं रोकूं कदमों को खींच उधर ले जाते हैं, जितना मैं रोकूं कदमों को खींच उधर ले जाते हैं। हाल बुरा है दिल का मेरे, कैसे मैं बतलाऊं,
मेरे दिल के भावों को बोलो कैसे समझाऊं। तो मेरे दिल के प्रेम ग्रंथ पर, मैंने दिल के प्रेम ग्रंथ पर उसका नाम लिखा है। जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद दिखा है, जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद दिखा है। और दूसरा बंद के इतलाती इतराती शर्माती मुझसे बतलाती है, हिटला दी इतरा दी शर्माती मुझसे बतलाती है। कम शब्दों में बात बोल कर वो कितना मुस्काती है, कम शब्दों में बात बोल कर वो कितना मुस्काती है। नया नया ये प्यार है अपना, नई नई ये बातें हैं। जीवन में एक बार ये पल सबके जीवन में आते हैं, जीवन में एक बार ये पल सबके जीवन में आते हैं। हम भी कहेंगे इस दुनिया से, हम भी कहेंगे इस दुनिया से प्रेम को हमने जिया है। जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद दिखा है, रात रात भर कलम उठा कर मैंने उसे लिखा है। जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद दिखा है। और गीत का आखिरी बंद कि कुछ प्रेम के रिश्तों में कुछ दराल पड़ जाती है, कुछ सुनी अनसुनी बातों को लेकर, कि प्रेम तो है एक अमर कहानी इसको कभी ना भूले हम, दिल के रिश्ते दिल से जोड़े बीच राह ना तोड़े हम, दिल के रिश्ते दिल से जोड़े बीच राह ना तोड़े हम, हाथ थाम कर अपने पिया का हाथ कभी ना छोड़े हम, अन कही अनसुनी कुछ बातों से रिश्ते कभी ना तोड़े हम, अन कही अनसुनी कुछ बातों से रिश्ते कभी ना तोड़े हम। प्रेम के खातिर तो मीरा ने, प्रेम के खातिर तो मीरा ने विष का पान किया है। जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद दिखा है, शानदार है। जीवन में जिस दिन से मेरे कोई चांद दिखा है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार। देखिए श्रृंगार रस का कवि है और अपन भंगार रस के कवि है, और अगर हास्य रस का कवि श्रृंगार लिखने लग जाए तो किस तरह की पंक्तियां बनती है। क्या तेरी जुल्फों में खो जाने के लिए मरता हूँ, तेरी जुल्फों में खो जाने के लिए मरता हूँ, तेरे लिए रोज सजता सवरता हूँ, जी तो चाहता है कि तेरी जुल्फों में खेलूं, मगर क्या करूं जाने मन तेरी जीवों से बहुत डरता।